नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा चैनल पर। हिंदू पंचांग के कार्तिक माह के पहले दिन, जो कि प्रतिपदा का भी पहला दिन होता है, इस दिन बलि प्रतिपदा का त्यौहार मनाया जाता है। इसे आकाशदीप भी कहते हैं। ये त्यौहार विक्रम संवत कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है। गुजरात में ये नए साल के रूप में मनाया जाता है, साथ ही इस दिन नए विक्रम संवत साल की शुरुआत भी होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बलि प्रतिपदा पूजा, जो कि 15 नवंबर 2020 को है, उस दिन प्रतिपदा की तिथि क्या रहेगी, पूजन का मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है और क्या है बलि प्रतिपदा की कथा व महत्व। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगामी व्रत एवं त्यौहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। बलि प्रतिपदा के दिन गोबर से राजा बलि की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर कोलम या रंगोली बनाई जाती है। उसके बाद उसके ऊपर गोबर से त्रिभुज आकार की आकृति बनाते हैं, जो बलि की प्रतिमा होती है। उसके बाद उसे गेंदे के फूलों से सजाते हैं और फिर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। घर की स्त्रियां एवं महिलाएं मिलकर घर के आंगन और मुख्य द्वार में रंगोली डालती हैं। इस रंगोली को चावल के आटे से बनाया जाता है। उसके बाद राजा बलि और उनकी पत्नी विंध्यावली की पूजा की जाती है। प्रतीकात्मक रूप से इस दिन मिट्टी या गोबर के साथ किले की आकृति भी बनाई जाती है। शाम के समय घरों को बहुत सारे दिए लाइट से सजाया जाता है। मंदिरों में भी विशेष आयोजन होता है, दिए से सुंदर सजावट की जाती है। इस दिन लोग राजा बलि को याद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी पर जल्द से जल्द राजा बलि का राज आए। बलि प्रतिपदा की पूजा साल 2020 में 15 नवंबर 2020 दिन रविवार को है। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा 15 नवंबर की सुबह 10:36 पर और समाप्ति होगी 16 नवंबर की सुबह 7:06 पर। संध्या काल पूजन का समय रहेगा दोपहर 3:19 से 5:27 तक। कुलब्धि रहेगी पूजन की 2:09 की। पौराणिक कथा के अनुसार देव और दैत्यों के युद्ध में दैत्य पराजित होने लगे थे। पराजित दैत्य मृत एवं आहतों को लेकर अस्तान जल चले गए, तथा दूसरी ओर दैत्यराज बलि इंद्र के वज्र से मृत हो जाते हैं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि और दूसरे दैत्यों को भी जीवित एवं स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा दिव्य रथ, बाण, अभेद कवच बनाते हैं। इससे असुरों की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। तब इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं। भगवान विष्णु उनकी सहायता करने का आश्वासन देते हैं और वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। दैत्यराज बलि द्वारा देवों को पराभव के बाद ऋषि कश्यप के कहने से माता अदिति अनुष्ठान करती हैं, जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तब विष्णु भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। वामन रूप में भगवान एक पग में स्वर्ग लोक को और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लेते हैं। भगवान के तीसरे पैर रखने के लिए स्थान कहाँ से लाएं? ऐसे में राजा बलि अपना सिर भगवान के आगे कर देते हैं और कहते हैं कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और बलि को पाताल का लोक में रहने का आदेश करते हैं। बलि के द्वारा वचन पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और दैत्यराज बलि को वर मांगने के लिए कहते हैं। इसके बदले में बलि रात दिन भगवान को अपने सामने रहने का वचन मांग लेते हैं। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।